एक मूवी आई थी 2016 में, रॉकी हैंडसम जिसका नाम था, जिसके अंदर जॉन इब्राहिम मेन रोल के अंदर थे। अब ये जो मूवी मैंने उस टाइम देखी थी तो मुझे नहीं पता था कि ये एक मूवी जो है वो रीमेक है किसी कोरियन मूवी की। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा द मैन फ्रॉम नोवेयर, एक कोरियन मूवी के बारे में, जो इसकी तकरीबन लेंथ है वो 2 घंटे की है। अब कौन सी मूवी पहले आई थी तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो कोरियन मूवी है द मैन फ्रॉम नोवेयर, ये 2010 में आई थी, और रॉकी हैंडसम जो मूवी है वो 2016 में आई थी। एक तरीके से जो रॉकी हैंडसम है वो रीमेक है, बिल्कुल एज इट इज है। अगर आप लोगों ने रॉकी हैंडसम मूवी देख रखी है तो आपको स्टोरी का पता है कि द मैन फ्रॉम नोवेयर में क्या होने वाला है। रॉकी हैंडसम जो मूवी है उसमें हर एक चीज एज इट इज जो कोरियन मूवी में थी वो सेम टू सेम रख दी गई है। मतलब वही विलन का जैसे बिहेव करना, वो भी आप लोगों को सेम टू सेम, मैं देख के हैरान हो गया यार, नाखून के ऊपर किसी चीज का बना होना, वो भी सेम टू सेम लिया गया है कोरियन मूवी से। और अपनी बॉलीवुड की मूवी को अलग बनाने के लिए बस इसके अंदर सॉन्ग डाल दिए गए हैं जो काफी ज्यादा अच्छे लगे। इसमें एक जो सॉन्ग है रॉकी हैंडसम मूवी में रहनुमा, वो मुझे पर्सनली आज भी पसंद है और आज भी मैं उसे सुनता हूं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो इंडियन जो मूवी है, जो हमारी जो मूवी बनी है वो कोई खराब है, नहीं, वो बहुत ज्यादा अच्छी मूवी है। मैंने जब देखी थी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। हाँ, अगर मैंने द मैन फ्रॉम नोवेयर मूवी पहले देखी होती तो शायद बात अलग होती, लेकिन जब पहले ये मूवी देख ली थी रॉकी हैंडसम, इसकी जो कहानी मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और अगर जिन्होंने दोनों मूवी ही नहीं देखी हुई, रॉकी हैंडसम द मैन फ्रॉम नोवेयर, ये वाली दोनों मूवी ही नहीं देखी हुई, तो थोड़ा बहुत उन लोगों को कहानी के बारे में बात कर लेता हूं। तो कोरियन मूवी के बारे में बात करूंगा क्योंकि उसी को मैंने अभी देखा है। एक व्यक्ति जिसका नाम है चा, सीरियसली मैंने ये नाम सुनने के लिए बहुत फोकस किया, मतलब ये बोल क्या रहे हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट पूरा फोकस लगाने के बाद, पूरा ध्यान लगाने का, मुझे बस यही समझ में आया इसका नाम चा है। अब ये जो चा है अपनी एक बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में रह रहा होता है वहां पर एक शॉप चलाता है जिसमें वो चीजों के बदले लोगों को सामान देता है। अब इसी बिल्डिंग में एक छोटी बच्ची रह रही होती है। अब चा जो है वो इस बच्ची को पसंद करता है, मतलब चा बार बार आ रहा है, चा जो इस बच्ची को पसंद करता है। रीजन इस मूवी में दिखाया गया है कि क्यों इस बच्ची को पसंद करता है। अब चा का जो बिहेवियर है, एक तरीके से बहुत गुमसुम रहना, किसी से बात नहीं करना, उदास रहना, ये सारी बातें इस मूवी में दिखाई गई हैं। और जो ये बच्ची होती है, इसकी माँ जो है वो नशेड़ी है, गंजेड़ी है, यानी फुल ऑन नशा करती है, और इसी चक्कर में ये गुंडों के चुंगल में फंस जाती है। अब जो इस बच्ची की माँ गुंडों के चुंगल में फंसती है, साथ ही साथ अपनी बच्ची को भी उनके चंगुल में फंसा देती है। अब चाहे इस बच्ची को जो पसंद करता है, इसको मतलब अपनी बेटी के तरीके से मानता है, खैर मैं ज्यादा स्पॉइलर में नहीं जाना चाहूंगा, और इस बच्ची को बचाने के लिए मतलब खूनी खेल शुरू हो जाता है। अब जब मैंने मूवी देखनी शुरू की थी तो सेम टू सेम चीजें रिपीट हो रही थी, तो मुझे लगा यार इसके अंदर कुछ नया तो होगा जो हमें बॉलीवुड की मूवी में देखने को नहीं मिला। तो यही जो क्यूरियोसिटी है मुझे शुरू से लेकर आखिर तक बांध के रखती है, लेकिन मुझे उसमें कुछ भी नयापन नहीं देखने को मिला। नया इन द सेंस कि जो मैं ऑलरेडी रॉकी हैंडसम मूवी में देख चुका था, इसमें सेम टू सेम वही चीजें, या फिर कहूँ रॉकी हैंडसम मूवी में सेम टू सेम चीजें रखी गई हैं, क्योंकि कहना बेटर यही रहेगा, क्योंकि पहले मूवी 2010 में कोरियन मूवी आई थी, तो भाई साहब उनको क्रेडिट देना तो बनता है। तो स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी नो डाउट काफी अच्छी मूवी है। अगर आप लोगों ने रॉकी हैंडसम मूवी या फिर ये कोरियन मूवी द मैन फ्रॉम नोवेयर, ये दोनों ही नहीं देखी है, तो आप कोई सी भी देख सकते हैं। तो मुझे याद नहीं कि जब मैंने इंडियन मूवी यानी रॉकी हैंडसम मूवी देखी थी तब मैं उदास, मतलब कि इमोशनल हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि काफी टाइम हो गए जब उस मूवी को देखे हुए। लेकिन अभी ये फिलहाल ये मूवी देखी है द मैन फ्रॉम नोवेयर, हाँ इसके लास्ट में, इसकी एंडिंग में मैं काफी इमोशनल हो गया था, यानी इस मूवी ने एक अच्छा एक्शन के साथ साथ इमोशनल एंगल भी है। द मैन फ्रॉम नोवेयर में इस मूवी के अंदर आप भले ही एक्शन की बात कर लो, परफॉर्मेंस की बात कर लो, काफी ज्यादा अच्छी है परफॉर्मेंस, मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है, विलन से लेके हीरो तक, या फिर जो इसके अंदर पुलिस ऑफिसर, उसने जैसे बिहेव किया, सबने एक अलग ही तरीके का कैरेक्टर हमारे सामने रखा गया जिसको देखकर हम एंजॉय करते हैं। अब बात करूं इस मूवी में एक्शन की, जैसे इसमें कैरेक्टर दिखाया गया बहुत सीरियस है, किसी से बात नहीं करता, उसका एक पास्ट है, और जब उसको कोई चीज पसंद होती है, मतलब कोई इंसान उसको पसंद होता है, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, तो ऐसा हमें इसमें देखने को मिलता है। तो एक्शन तो भैया शुरू में तो नहीं होते, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है, थोड़ा क्या काफी वेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद एक्शन स्टार्ट होते हैं। और एक ही मुझे इसका एक्शन पसंद आया, जो लास्ट में जो फाइटिंग होती है वही, या कहूं कि उसी में ज्यादा एक्शन था। तो ये थोड़ी बहुत चीज मुझे नेगेटिव लगी कि यार जिस तरीके का कैरेक्टर था, जिस तरीके की मैंने और ज्यादा एक्शन एक्सपेक्ट किए थे, यार देखो ऑब्वियसली ये बात है कि जिस तरीके का कैरेक्टर दिखा रहे हो तो उम्मीदें हो जाती हैं कि यार इसमें और एक्शन होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने एक्शन थे वो खराब थे या कम थे, मतलब
थोड़े बहुत कम तो थे ना है। अगर आप लोगों ने रॉकी हैंडसम मूवी ऑलरेडी देख रखी होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार इस मूवी में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि सेम टू सेम कहानी है। खैर अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर मैं कंपेयर करूं इंडियन मूवी जो रॉकी हैंडसम मूवी है उसको कोरियन जो मूवी है द मैन फ्रॉम नोवेयर से, तो सच कहूं यार मुझे दोनों ही मूवी काफी पसंद आई है। हाँ क्रेडिट इसलिए मैं उसको देना चाहूंगा कोरियन मूवी को, क्योंकि वो पहले आई थी उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया था तभी उसके ऊपर रीमेक बनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रॉकी हैंडसम मूवी जो है वो खराब है, वो उसकी रेटिंग कम है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो मैंने रॉकी हैंडसम मूवी देखी उसके अंदर जो जॉन अब्राहम का जो करैक्टर है वो काफी ज्यादा बढ़िया लगा एज कंपेयर टू जो ओरिजिनल मूवी है उसके मेन किरदार से। मतलब आप लोगों को वो पसंद ही आ जाएगा, रॉकी हैंडसम मूवी की बात कर रहा हूं, आपको जॉन अब्राहम का जो करेक्टर वो पसंद ही आने वाला है, इतना बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस कर रखी है इस मूवी में। और हमारी इंडियन मूवी के अंदर जैसे एक्शन रिप्रेजेंट किया गया था वो लास्ट की फाइट जो होती है वो चाकू वाली फाइट होती है वो काफी ज्यादा पसंद आई थी मुझे। खैर इसको जो रेटिंग है बहुत कम मिली हुई है, आई थिंक 6.9 रेटिंग है IMDb के ऊपर जो काफी अंडर रेटेड है। मुझे लगता है यार इस मूवी को और ज्यादा रेटिंग की जरूरत थी, इसको मिलने चाहिए थी क्योंकि काफी बढ़िया मूवी थी यार। कहानी चलो भले ही वहां से रीमेक लाई गई हो लेकिन वो अच्छे से रिप्रेजेंट की गई है। खैर हम फोकस करते हैं अपनी कोरियन मूवी के ऊपर। हाँ इस मूवी के अंदर एडल्ट सीन वॉयलेंस बहुत ज्यादा है, यानी ये जो मूवी है वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरी तरफ से कोरियन जो मूवी है द मैन फ्रॉम नोवेयर को मैं देना चाहूंगा 8/10 स्टार। सेम टू सेम मैं देना चाहूंगा रॉकी हैंडसम मूवी को 8/10 स्टार, क्योंकि बखूबी अच्छे से हमारे सामने रिप्रेजेंट की गई है वो मूवी। अगर आप लोगों ने देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। दोनों ही मूवी के बारे में आप बता सकते हैं, अगर नहीं देखी है तो जैसा मैंने कहा आप दोनों में से कोई भी देख लीजिए। बट आप लोगों को हमारी इंडियन मूवी मतलब कि बॉलीवुड की जो मूवी है रॉकी हैंडसम वो भी पसंद आने वाली है, भले ही आप अगर कोरियन मूवी देख लें तो। और जो कोरियन मूवी है वो आप लोगों को इंग्लिश डब में नहीं मिलेगी, मैंने इसको इंग्लिश सबटाइटल के अंदर देखा है, इसके कोरियन वर्जन के हिंदी मैंने देखा है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।